हे गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम आपके लेकर आए हैं यमहा R15 रेसिंग ब्लू कलर का डिटेल रिव्यू। तो इस रिव्यू में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, कितने प्राइस रेंज में यह बाइक अवेलेबल है और इसमें आपको कितनी माइलेज मिलती है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस से। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 1,94,306 रुपी इसकी ऑन रोड प्राइस है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। और विंडशील आपको यहां पे फ्रंट में ट्रांसपेरेंट इसमें लगी मिलती है। और मिरर की बात करें तो दोनों आप मिरर देखेंगे फ्रंट में, तो कुछ इस तरह से इसमें मिरर इसमें प्रोवाइड किया गया है फ्रंट में। और इसका जो फ्रंट फेस आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे जो बॉडी कलर है रेसिंग ब्लू कलर, तो इस कलर में यह बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों, यह कलर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हेडलाइट की तरफ आए तो इसमें आपको जो हेडलाइट लगी मिलती है कम्प्लीटली, आपको LED हेडलाइट की सेटअप इस पर मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में तो आपको यहाँ पर LED DRS लगे मिलते हैं दोनों साइड में। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इसी तरह से LED DRS लगे मिलते हैं, आप यहां पे देखेंगे लेफ्ट साइड में भी। और R15 की बैजिंग आपको यहां पे देखने को मिल जाती है, जो ग्राफिक्स दिया हुआ है तो कुछ इस तरह से इसका जो लुक निकल के आ रहा है। अब बात करें इसके फ्रंट फेंडर की, तो फ्रंट फेंडर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें आपको फ्रंट फेंडर यहां पे देखेंगे ब्लैक कलर का आपको प्रोवाइड किया गया है और फाइबर बॉडी का इसमें लगा मिलता है जो इसका फ्रंट फेंडर है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो इसमें सस्पेंशन लगा मिलता है टेलीस्कोपिक USD फोक लगा हुआ है, तो इसमें आपको काफ़ी बेटर सस्पेंशन मिलती है इस बाइक में। और फ्रंट में आप देखेंगे तो रेडिएटर लगा मिल जाता है आपको यहाँ पर, ऑयल कूलिंग इंजन लगा हुआ है और टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों साइड के। 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर इसमें प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह से दोनों साइड में आप देखेंगे। अब बात करें इस बाइक के ब्रेकिंग की, तो इस बाइक में जो ब्रेकिंग सिस्टम आपको लगा मिलता है, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ है, तो फ्रंट में आप यहां पे देखेंगे 282 mm का इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है विथ ABS के साथ। और जो इसमें ब्रेक कैलिपर आपको प्रोवाइड किया गया है बाइब्रेक का, इसमें ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है तो कुछ इस तरह से आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे बाइब्रेक का जो ब्रेक कैलिपर ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के व्हील साइज़ की, तो व्हील साइज़ आपको फ्रंट में जो प्रोवाइड किया गया है इस बाइक में 70 inches का व्हील साइज़ आपको मिलती है। और टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर साइज लगा मिलता है 100x80 70 inches का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में लगा हुआ है और इसमें आपको YMRF का टायर लगा मिलता है। और गाइस, यहाँ पे देखेंगे जो इसका अलॉय व्हील आपको मिलती है ब्लैक कलर में इसमें प्रोवाइड किया गया है, तो अलॉय व्हील का पैटर्न आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। रिम पर आपको कोई स्टिकरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि ये रेसिंग बाइक है रिम पर स्टिकरिंग देना चाहिए, जिससे इसका लुक है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बाइक को लेफ्ट साइड से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो इसका फेयरिंग्स है उस पर आपको VVA की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो दोनों साइड में आपको कुछ इसी तरह से लिखा मिलता है VVA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ABS यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ग्राफिक्स में देखने को मिलती है R15 की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, V3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंजन गार्ड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर यमहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल है। और इसमें आपको फ्यूल टैंक जो लगा मिलता है, आप यहाँ पर देखेंगे फ्यूल टैंक, तो इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, काफ़ी मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक लगा मिलता है। दोस्तों, जो इसमें आपको इंजन लगी मिलती है 155 cc का इंजन लगा हुआ है, मैं आगे आपको इंजन स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटआउट का सेंसर मिलता है, तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। और रियर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एसेसरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है
कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मेटलिक आपको एसेसरीज इसमें लगी मिलती है, जैसे यहाँ पर राइडर फुट पैक्स और पिनियन फुट पैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। और रियर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर की आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो इसमें इंटीग्रेटेड पिनियन ग्रेस आपको लगा मिलता है। कुछ इस तरह से ब्लू कलर में आपको प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है। खासतौर पे पिलियन को काफ़ी कंफर्ट इसमें मिलने वाली है, सिंगल सीट है तो यहाँ पे देखेंगे इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलती है इस बाइक में, तो काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली आपको इसमें सीट यामा ऑफर करती है। तो इसके सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट लगी मिलती है 850 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है, तो सीटिंग कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी आपको सीट लगी मिलती है। दोस्तों जो इसका फ्यूल टैंक आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इस पर फ्यूल टैंक लगा मिलता है, काफ़ी मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक लगा मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूल लीड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पर प्रोवाइड किया गया है, जो इस पर कट्स बने हुए हैं, जिससे यह काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, काफ़ी बोल्ड लगता है देखने में। तो कुछ इस तरह से इसमें आपको फ्यूल टैंक लगा मिलता है। और टैंक पे आप ऊपर साइड में देखेंगे तो R15 ES की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब आगे बढ़े और बात करें इस बाइक के स्विचेस की, तो बाइक के लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट के यहाँ पे स्विच प्रोवाइड किया गया है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का यहाँ पे स्विच आपको मिलता है बाइक के लेफ्ट हैंड पर। और ग्रिपिंग आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और हैंडल बार एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको जो हैंडल बार एंड इसमें ब्लैक कलर का प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे इसकी हैंडलिंग आपको कुछ इस तरह से इसमें मिलती है। और इस बाइक के राइट हैंड बार पे आपको इंजन के स्विच और पावर स्टार्ट का आपको स्विच मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हजार लाइट का स्विच आपको इस बाइक में नहीं मिलता है। अब बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है मल्टी फंक्शन SLD स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। जैसे आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसमें आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकेंगे इस बाइक में। और नीचे साइड में आपको यहाँ पर दो बटन प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं मिलता है इस बाइक में R15 ES में। और साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ABS की लाइट, न्यूट्रल की लाइट और इंजन चेक की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और इस बाइक के टेल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको जो टेल लाइट लगी मिलती है, LED का टेल लाइट लगा हुआ है, जैसा कि एज यूजल इस पर LED का टेल लाइट आता है, तो सेम आपको LED टेल लाइट लगी मिलती है इस बाइक में भी। और जो इसमें टर्न इंडिकेटर आपको लगा मिलता है, 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर रियर में भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो फेयरिंग्स पे आप देखेंगे तो आपको यहां पर VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जैसा कि लेफ्ट साइड में दिया हुआ था, तो आपको राइट साइड में भी सेम वही आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो जो इसका फेयरिंग्स आपको मिलती है ब्लू कलर में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो इस पर आपको VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। R15 ES version 3 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है इसके फेयरिंग्स पर। दोस्तों अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको जो इंजन लगा मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल SOSC 4-stroke इस पर इंजन लगा हुआ है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है इस बाइक में 18.1 bhp की पावर मिलती है। और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है इस बाइक में 14.1 Nm का इसमें टॉर्क आपको मिलता है इस बाइक में। और इस बाइक का जो एग्जास्ट आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसमें एग्जास्ट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में तो आपके सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है, और इसका जो एग्जास्ट मफलर आपको मिलता है ब्लैक कलर में इसमें प्रोवाइड किया गया है। पिलियन फुट पैक्स आपको मिलता है मेटलिक का। अब दोस्तों बात करें रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगा मिलता है मोनोक्रास सस्पेंशन इस बाइक में दिया हुआ है। रियर में आपको 17 inches का व्हील साइज प्रोवाइड किया गया है। और रियर में आप देखेंगे तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है 220 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है विथ ABS के साथ। और रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको काफ़ी वाइडर टायर लगा मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे 140/80 R17 inches का रियर में ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया है। ये हमारे आपका इसमें टायर लगा हुआ है रियर में, जिसकी ग्रिपिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात करें इस बाइक के डायमेंशन की, तो इसका जो कर वेट निकल के आ रहा है 142 kg का इसका वेट है। ओवर लेंथ मिलता है इस बाइक में 1990 mm का लेंथ दिया हुआ है। विड्थ आपको मिलती है इस बाइक की 725 mm का विड्थ दिया हुआ है। और ओवरऑल हाइट मिलती है इस बाइक की 1135 mm का दिया हुआ है। दोस्तों जो इसमें आपको ग्राउंड केस मिलती है 170 mm का इसमें ग्राउंड केस दिया हुआ है। व्हील बेस आपको मिलता है इसमें 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 815 mm का सीट हाइट दिया हुआ है।
माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलती है 40 to 45 kmpl की आपको माइलेज मिल जाती है इस बाइक पे। तो दोस्तों ये रहा यमहा R15 RS रेसिंग ब्लू कलर का डिटेल रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको रिव्यू और बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।